हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास फूड वर्ल्ड। मैं सपना लोढ़ा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिना घी, बिना चीनी और बिना चाशनी से बनने वाली आगरा की बहुत ही मशहूर तिल की मिठाई, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे आप बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं इसके लिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम यानी 1.5 कप सफ़ेद तिल लिए हैं और इसके लिए हमें इस प्रकार के ही सफ़ेद तिल का ही यूज़ करना है। अब लेते हैं एक कढ़ाई और इसे हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। फिर इसमें लेंगे ये सफ़ेद वाले तिल और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भून कर ले लेंगे और इसे हमें लगातार हिलाते हुए इस तरह से भून लेना है और गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, नहीं तो ये तिल नीचे से जल जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तिल हल्के से गुलाबी हो गए हैं और पॉपअप होने लगे हैं। तो तिल को हम डिश में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब इसमें से हम थोड़े से तिल साइड में निकाल कर रख देंगे और जो बाकी बचे हुए तिल हैं मैंने उसे मिक्सी के जार में ले लिया है और इसे हम दरदरा पीस कर ले लेंगे। तो तिल को मैंने दरदरा पीस लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि मिक्सी को हमें चालू बंद करते हुए इसे पीसना है। आप जो एक साथ इसे पीसोगे तो इसमें से तेल रिलीज हो सकता है। अब गैस पर मैंने एक पैन रखा है और उसमें हम लेंगे 1 कप खोया यानी मावा और ये वजन में देखा जाए तो 250 ग्राम खोया है और यहाँ पर मैंने होममेड खोया लिया है और ये खोया मैंने इंस्टेंट तरीके से बनाया है। और अगर आप भी इस तरह से इंस्टेंट खोया बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में ये रेसिपी ज़रूर दे दूँगी। तो यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर खोया को अच्छे से भून कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे भूनते जा रहे हैं ये खोया थोड़ा सा पतला यानी सॉफ्ट होते जा रहा है, तो इसे अच्छे से हम सॉफ्ट करके ले लेंगे। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं खोया अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम पहले बंद करेंगे और इसमें मिलाएंगे 3/4 कप देसी गुड़, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये वजन में देखा जाए तो 180 ग्राम गुड़ है। इसे हम गैस बंद करने के बाद अच्छे से मिला कर ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, आप चाहो तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। खोया हमारा अच्छे से गर्म है तो इसमें से गुड़ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सारी गुठलियों को मोड़ते हुए खोया और गुड़ को अच्छे से मेल्ट करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई आगरा में तो बहुत ही मशहूर है और वैसे भी विंटर का सीज़न चालू है तो तिल और गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तिल से आँखें और स्किन बहुत ही अच्छी होती है और गुड़ से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा भी काफ़ी बढ़ती है। तो यहाँ पर खोया और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और बाद में इसमें मिलाएंगे तिल का दरदरा पीसा हुआ मिक्सचर और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर बंद ही है और बंद करने के बाद ही हम ये मिक्स कर रहे हैं, तो इसे अच्छे से मिला कर ले लेते हैं। और जैसे जैसे हम इसे हिलाते जा रहे हैं ये मिश्रण गाढ़ा होते जा रहा है। तो अब इसमें मिलाते हैं 1 टेबलस्पून बादाम की कतरन और 1 टेबलस्पून पिस्ता की कतरन। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें मिला सकते हैं। तो इसे मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ठंडा हो गया है तो इसको हम 2 पोर्शन में कट कर लेंगे। ये ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है, बस हाथ को थोड़ा सा गर्म लगे इतना ही हम इसे ठंडा कर ले लेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसे मसल कर रख देंगे। तो यहाँ पर डो तैयार है। अब इसे हम थोड़ा सा चकले पर अच्छे से प्रेशर देते हुए इसे अच्छे से रोल करके ले लेंगे। अब लेते हैं साइड में रखे हुए तिल, जिसको हमें बाहर से गार्निशिंग के लिए लगाना था। तो यहाँ पर तिल मैंने ले लिए हैं और इसको मिश्रण को हम ले लेंगे और इसका एक रोल बनाते हुए इसके ऊपर हम एक रोल बनाएंगे। यहाँ पर हम इसके रोल बना रहे हैं। आप चाहो तो इसे सेट कर इसकी बर्फ़ी बना सकते हैं या कोई भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए इसको हम तिल लगाकर अच्छे से रोल बनाकर ले लेंगे। आपको जिस साइज़ का रोल पसंद है उस साइज़ का आप बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रोल बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक सिल्वर फॉइल पेपर और इसमें हम ये रोल को रखकर अच्छे से इसे रोल करते हुए इसे हम अच्छे से पैक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल पेपर लिया है, आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हल्के हाथों से इस तरह से हम साइड से भी पैक कर ले लेंगे।
इसी तरह से हम दोनों रोल बनाकर ले लेते हैं। तो रोल बनकर तैयार है, तो इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आधे घंटे के बाद रोल हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं, तो अब इसके ऊपर से हम इस सिल्वर फॉइल को हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने रोल को दो टुकड़ों में कट कर लिया है, अब इसे हम एक शार्प नाइफ की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा मिश्रण थोड़ा ज़्यादा टाइम सेट हो गया था, इसलिए ये साइड से थोड़ा सा निकल रहा है, पर आप जब भी इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखो तो ये आधे घंटे के ऊपर ना रखिएगा। तो इस तरह से हम इसे राउंड कट कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ऐसी मिठाई बनकर तैयार हुई है, और सिर्फ 1.5 कप तिल से हमने ढेर सारी मिठाई यहाँ पर बना ली है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से भी कितनी सॉफ्ट ऐसी लग रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आगरा के मशहूर तिल मावा रोल। इस मकर संक्रांति पे इसे ज़रूर बनाइएगा, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो देर किस बात की है, इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।